तो जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग जा रहे हैं इप्सविच और ये हमारा पहला टूर है गाड़ी के अंदर। 1.5 घंटे का रास्ता है, आराम आराम से स्लोली स्लोली चलाते चलाते हम लोग इप्सविच पहुंचेंगे। फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेकर रोड पे निकला हूँ, तो हर चीज़ का बड़ा एहतियात करना है, साइंस का, ईच एंड एवरीथिंग का मुझे बहुत ख्याल रखते चलना पड़ेगा। अभी हम लोग सेंसबरी की पार्किंग में आए हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क की है और अब जा रहा हूँ हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट मतलब पाकिस्तान का राजा बाजार, वहाँ से लेनी है एक दो चीज़ें, तो वो लेके हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे फिर इप्सविच के लिए। कल तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, रोड पूरा भरा हुआ था। आज संडे पता नहीं, अभी तक तो यहाँ स्टॉल्स नहीं लगे हैं। ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ धोखा। कल मुझे 5 पाउंड का ब्लूटूथ मिल रहा था गाड़ी के लिए, तो मैंने लिया नहीं। मेरा पता नहीं यार ठीक भी होगा या नहीं, आज मैंने सोचा जाते हुए ले लूँगा। खैर ये ब्लूटूथ लेना था, ले लिया, 5 पाउंड का मिला। 7 पाउंड मांग रहा था ऑनलाइन, 10 पाउंड का 15 पाउंड का आ रहा था। हमने कहा चलो हाई स्ट्रीट से ले लेते हैं जाके। रास्ते में गाड़ी का इंजन ऑयल लिया था, वो पूरा करना है अभी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सफ़र शुरू करेंगे इप्सविच की तरफ का। तो गाड़ी में था ऑयल कम, इंजन ऑयल, तो मैंने कहा चलो यार इंजन ऑयल भी थोड़ा डाल लेते हैं, मिनिमम लेवल पे था, ऐसा मैक्सिमम करना था। तो यहाँ पे अभी ऑयल डालूंगा गाड़ी का, तो फिर उसके बाद सफ़र जारी करेंगे इंशाल्लाह। All eyes on me, live like a thug nigga until the day I die, live a life of a boss player. All eyes on me, live a life of a thug nigga until the day I die, live a life of a boss player. It's even getting hot. Hey, to my nigga Pac, live my life as a thug nigga until the day I die, live my life as a boss player. It's even getting hot. अभी हम पहुंचे फ्लिक्सटो, मेरे साथ हैं सफियान भाई, हमेशा की तरह सफियान भी तो सामने आए थे। अभी शक्ल दिखाएं, शक्ल मुबारक। ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं सफियान भाई, और ये आज इधर एक आया हुआ काफ़ी बड़ा जहाज़, इसे हम क्या कहें, बहरी जहाज़ जी, बहरी जहाज़ आया हुआ जी। ये देख लें, इसमें ऑलमोस्ट सिस्टम लाइन वाइज अगर हम देखें तो 20 कंटेनर लगे हुए हैं टोटल, या 20 से ज़्यादा ही होंगे। क्यों साइड एरिया सारा ये। तकरीबन हमें 1.25 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचने में। यहाँ आए घर पे गए, पहले घर पे जाके हमने थोड़ा सामान वगैरह रेस्ट वगैरह किया 10-15 मिनट। आते हुए एक बेवकूफ़ी हो गई थी गाड़ी का, मैंने इंजन ऑयल जब डाला तो मैंने उसका कैप बंद करना भूल गया, और कैप बंद ना करने की वजह से सारा ऑयल गाड़ी से बाहर निकल आया चलते हुए। वो तो शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ। समुंदर की ना अपनी एक आवाज़ होती है, और ये आवाज़ बंदा खामोशी से बैठा और सुन रहा हो ना, बड़ा मज़ा आता है। तो समुंदर पे आके आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो हमारा टाइम लगा, हमारे पैसे लगे, सब वर्थ फुल हो गए हैं, मज़ा आ रहा है आपको। तो खैर अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी साइड पे, ये पोर्ट साइड थी जहाँ पे ये जहाज़ आया था काफ़ी बड़ा जहाज, इसमें कंटेनर्स लोड हो रहे थे दूसरे मुल्कों में जाने के लिए। मतलब कि जो आपके आईफोन के चार्जर हैं, आपके मोबाइल हैं, आपका दुपट्टा है, आपके कपड़े हैं, आपकी ग्रॉसरी है, आपकी क्रॉकरी है, जो भी है सारा सामान इन जहाज़ों में लोड होकर दूसरे मुल्कों में जाता है। और ये यूके की सबसे बड़ी पोर्ट है। तो अब हम जाएंगे मेन सी साइड पे, वहाँ पे जाएंगे, वीडियो शीडियो बनाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सुफियान भाई जी, जी आप तो यहाँ पे रह रहे हैं माशाल्लाह, तो मुझे बताएं ये क्या स्टोरी है कि जब पुराने ज़माने में ये वाइकिंग्स की बच्चे आते थे या उनकी फौज आती थी, अफवाज आती थी, वो क्या करती थी पहले उतर के? सबसे पहले देखिए जी, पहले तो उतरते साथ ही अगर तो उनकी निशानदेही हो जाती थी नजर आकर, अब वो आ जाते थे। जाहिर है बहरी जहाजों में आते थे, उनसे जो यहाँ के साहिली गार्ड्स हैं वो देख लेते थे उनको। अच्छा, तो वो जंग की तैयारी शुरू कर लेते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होता था कि उनको उतरते साथ ही मुजामत का सामना करना पड़ता था। ये 7 जो प्लेन्स हैं यहाँ पे, वो पहले जंग लड़ते थे। और अगर साहिली गार्ड्स की तादाद कम होती थी तो बाइकिंग्स, क्योंकि बहुत खूनखार और लड़ाकू किस्म के लोग थे, तो तब भी ऐसे रोड्स बने हुए थे बाइक के साथ जो गुजर रहे होते थे। नहीं, उस टाइम देखें बाइक का कंसेप्ट शायद हो, लेकिन वो लकड़ी के टायरों वाले बाइक्स होते होंगे, इन बाइक्स का कंसेप्ट तो उस टाइम, और जिसके सेट में ये कॉन्सेप्ट था वो इस टाइम दुनिया में नहीं आया था। हाँ जी, ये वाइकिंग्स के दौर की उनकी वो जा रही है कनीजे, जील शील फैल के जा रही है मेरे, ये पुराने दौर की कनीज है। तो अभी हम लोग आ गए मेन सी पॉइंट पे, और यहाँ से जो व्यू है भाई, क्या बात है, क्या बात है, मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो जाते हैं, मजा आ जाता है, मजा। अब
अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, रोज़ा हमारा, हम दोनों का रोज़ा, तो अभी जाएंगे अफ्तारी करेंगे। तकरीबन 6:20-30 का रोज़ा खुल जाना है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज गए, वी हैव स्टिल 1 आवर, बट द थिंग इज़ दैट घर भी जाना है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, अब रफ्तारी के बाद घर के लिए निकलेंगे, घर जाते जाते 2 घंटे लग जाने हैं, टाइम भी काफ़ी लग जाना है। तो ये था आज का दिन इप्सविच में। इप्सविच से हम फ्लिक्स्टो आ गए, फ्लिक्स्टो में बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे दोस्ती है, मज़ा गुजर रहा है, मज़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं यार्ड वाली साइड पे, और ये अभी अच्छा, ये जो यार्ड बनी हुई है, जो एरिया बना हुआ है, ये वाइकिंग्स के दौर का बना हुआ है, ये कश्तियाँ भी तब के की खड़ी हुई हैं, उस टाइम से किसी ने हिलाई नहीं है। वैसे ये गांव ही है, छोटा सा स्मॉल टाउन है, गांव है, जैसे हमारे यहाँ कराची में वो नहीं है, उस जगह क्या नाम है, बड़ी मशहूर, केटी पंथर, ना 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 ना, कोट कासिम, नहीं यार, वो जिधर लोग रहते हैं बड़े अजीब से, क्या कर MQM के दौर के, उसके लियारी, तो ये लंदन का लियारी एक्सप्रेस है। आज नीचे चलते हैं पानी में, अब तो मुझे भी रोज़ा लग रहा है, भूख लग रही है। हाँ अब ठीक है, व्यूअर्स ये मेरे से वीडियोस मांग रही है, क्या मैं इसे दे दूँ, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। खामोशी है, सुकून है, कोई टेंशन नहीं है, टॉक्सिक रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब हम लोग निकल रहे हैं इप्सविच से घर की तरफ, तकरीबन रात के 8:30 बज गए हैं, पहुँचे 10:30 हो जाने हैं, और रफ्तारी कर ली थी, बड़ा फिट रफ्तारी में सीन था, मज़ा आया, जगह का खूबसूरत जगह है, समुंदर है, तो अब घर की तरफ निकलेंगे, पेट्रोल डलवाना था पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल डलवा लिया है, अब लोकेशन सेट करेंगे, 2 घंटे का रास्ता कर जाएंगे, तो फिर चलते हैं, घर पहुंच के मुलाकात होती है। बात कुछ ऐसी पिंडी के लोगों की बर्गर, ये समझे हैं लाइफ इनकी पोगो सी, देख के हैं करते हमें ये लाफ, क्योंकि लड़के हम साथ। घर पहुंच गए हैं तकरीबन 2 घंटे बाद, 11 बज रहे हैं, और आंखें इस टाइम फुल टन हो रही हैं, मतलब कि नींद की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 3 बजे दोबारा उठना होगा सहरी के लिए, सहरी भी बनानी है, मैंने नहीं मेरी बेगम ने, और मैंने उसे फुल सपोर्ट करना है, सोकर वो सहरी बनाएगी, मुझे जगाएगी, हम सहरी करेंगे और फिर रोज़ा रख के सुबह फिर से काम पे, मंडे है फिर से सेम वही रूटीन है, थका देने वाली। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगेगी, इप्सविच का टूर, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली पहली वीडियो मजबूरन आपको देखनी पड़े बार बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।